एक बड़ी खबर मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर से आ रही है, जहां खाना बनाने के क्रम में लगी आग से दो घर जलकर राख हो गए, लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयनगर में आज बुधवार को खाना बनाने के क्रम में लगी आग के कारण एक ही परिवार के दो मकान जलकर स्वाहा हो गए, वहीं तीसरे मकान को भी आंशिक रूप से क्षति हुआ है। आज सुबह 8 बजे कमला रोड वार्ड 6 मुक्ति धाम जाने वाले रास्ते में मोहम्मद नईम के बेटे सद्दाम एवं मजीबुल के घर आग लगने के कारण लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है, स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया था। वरना जिस ढंग से पछिया हवा बह रही थी, अगल बगल फूस के बने मकान हैं तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। गृह स्वामी मोहम्मद सद्दाम ने बताया कि सुबह में नाश्ता बनाने के क्रम में पछिया हवा के कारण घर में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उनके भाई मजीबुल एवं पिता का घर भी जलकर स्वाहा हो गया। वहीं बगल में रह रहे मंडल के घर को आंशिक रूप से क्षति हुई है। घर में रखे फर्नीचर, रुपए, कुछ कागजात, पत्थर, बर्तन सहित जरूरी सामान जलकर राख हो गए हैं। घटना स्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, तब तक स्थानीय लोगों की सहायता से आग को काबू कर लिया गया था। अग्निशामक जयनगर प्रभारी सुभाष सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वह पहुंच गए थे, मगर उसके पास एक ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। उस बड़ी गाड़ी को लेकर स्क्रीन एवं छोटी गली के रास्तों में जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जयनगर से संतू नायक की रिपोर्ट।